तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट्स अबाउट मनी। एज एम बी बी एस इंटर्न तुम कितना अर्न कर सकते हो, तो लगभग ईच स्टेट का एक अमाउंट सेट होता है जो पे किया जाता है टू द एम बी बी एस इंटर्न्स हर एक कॉलेज में। सो ये अमाउंट मैं आज इस वीडियो में बताऊँगा तुम सभी को एक साथ, किस स्टेट में कितना कितना, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है लाइक एम्स, उनका कितना ज़्यादा स्टाइपेंड है। तो यहाँ पे एम बी बी एस में आने के बाद तुम 4.5 ईयर स्टडी करते हो, उसके बाद एक साल का फेज़ आता है दैट्स कॉल्ड इंटर्नशिप। इसमें तुम्हें सारे डिपार्टमेंट्स में जाके काम सीखना पड़ता है, सो यू बेसिकली गेट द इन हैंड एक्सपीरियंस। तो इस टाइम पे तुमको रियली फील होगा कि एज अ डॉक्टर बनना क्या होता है। तुम पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करोगे, तुम पेशेंट्स को ट्रीट करोगे। इस इंटर्नशिप के दौरान तुमको गवर्नमेंट से एक स्टाइपेंड मिलेगा। यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन आता है कि ये स्टाइपेंड क्या सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए है या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए है। सो ये स्टाइपेंड बेसिकली दोनों के लिए है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है उनमें स्टाइपेंड थोड़ा ज़्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, उनमें मतलब स्टाइपेंड कम होता है, मतलब रिलेटिवली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कम होता है। सो ये बेसिकली सीन है। वो अगर तुम यहाँ पे एक नीट एस्पिरेंट हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे ख्याल से तुमको पता होना चाहिए कि पढ़ाई करने के बाद एट द एंड ऑफ योर स्टडीज जो तुमको फर्स्ट सैलरी मिलेगा या फर्स्ट इनकम मिलेगा ये कितना होना चाहिए। तुमको इसके रिगार्डिंग क्लियर आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब कई लोग कहेंगे कि एमबीबीएस और मेडिकल साइंस इज नॉट अबाउट द मनी, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज मनी, क्योंकि पैसे से तुम एक्सपीरियंस खरीद सकते हो। मनी कैन बाय यू एक्सपीरियंसेस, और एक्सपीरियंस के लिए आई थिंक कि लोग थ्राइव करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। पीपल टेंड टू हैव न्यू एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंस करना सभी को पसंद है, और मनी इज वन ऑफ द थिंग्स दैट कैन बाय यू एक्सपीरियंसेस। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द थिंग दैट शुड बी फॉलोड। ये वीडियो यार तुम्हारे एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, तुमको अगर जानना है कि इंटर्नशिप में तुमको कितना ज़्यादा मिलेगा या फिर फर्स्ट जो तुम्हारा स्टेज ऑफ अर्निंग होगा मेडिकल फील्ड में कैसा होगा, सो इस टाइप ऑफ तुम इस वीडियो को देख सकते हो। तो चलो बहुत हो गया बातें, अब इसको साइड में रखते हैं, चलो बात करते हैं रिगार्डिंग द स्टेट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट्स है दैट्स योर एम्स। एम्स में जो स्टाइपेंड अमाउंट है दैट्स 23.5K। उसके बाद दिल्ली के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं अमाउंट 23.5K मिल जाएंगे। उसके बाद कर्नाटका में 30,000, आसाम में 28,000, झारखंड में 17,000, उड़ीसा में 26,000, त्रिपुरा में 7,500, यूपी 7,500, इनमें थोड़ा सा कम है। उसके बाद अगर हम चले बिहार में इट्स 15,000, उसके बाद मध्य प्रदेश में इट्स 8,000, महाराष्ट्र में 11,000, हरियाणा में 12,000, तमिलनाडु में 8,000, उसके बाद तेलंगाना में 15,000, मणिपुर में 8,000, हिमाचल प्रदेश में 12,000, आंध्र प्रदेश में 17,000, गोवा में 20,000, और आई थिंक यहाँ पे राजस्थान में सबसे कम है दैट 7,000। इसके बाद हम चलते हैं इन माई स्टेट वेस्ट बंगाल में इट्स 28,000, केरला में 15,000, और इन द एंड अगर हम बात करें गुजरात तो इसमें है 13,000। तो बेसिकली मैंने तुमको स्टेट वाइज एक लिस्ट दे दिया, तो ये स्टेट में इतना इतना स्टाइपेंड तुमको मिलेगा। तो इससे तुम आइडिया लगा सकते हो कि मतलब 4.5 ईयर्स के बाद तुम्हारा फर्स्ट अर्निंग स्टार्ट होने वाला है मेडिकल कॉलेज में, और ये कितना होने वाला है। सो आई होप तुम समझ चुके होगे। ऐसे ही एमबीबीएस रिलेटेड मैं वीडियोस इस चैनल पे डालता रहूँगा। अभी तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, फर्स्ट ईयर के बहुत सारे मेमोरीज है जो तुम्हारे साथ शेयर करना है। तो बस आज के लिए यही तक, मिलता हूँ बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।